भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को सतर्कता निदेशालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में घोटाला होने का आरोप लगाया और इसकी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि सतर्कता निदेशालय ने पिछले महीने लोकायुक्त को ये रिपोर्ट सौंपी थी। दरअसल मनोज तिवारी ने 2018 में दिल्ली सरकार की स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त से शिकायत की थी। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को सतर्कता निदेशालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में घोटाला होने का आरोप लगाया और इसकी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि सतर्कता निदेशालय ने पिछले महीने लोकायुक्त को ये रिपोर्ट सौंपी थी। दरअसल मनोज तिवारी ने 2018 में दिल्ली सरकार की स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त से शिकायत की थी।